साथी भी खींचकर रेडी हो गया है, जिसके इक्विपमेंट तो थोड़ा देर लग गई है हमें खींचने में। ये वाला जो इक्विपमेंट है ये वाला यहाँ पर खींचेगा, और ये जो फंसने का था तो ये इसमें जो है स्लाइड करके फंस गया है ये इसमें को। अब हमने अपना मोबाइल हेलमेट स्टैंड में फंस लिया है, तो साथ ही हम मोबाइल है वो हेलमेट स्टैंड में फंस लिया है, और इसका जो सीन है आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो बन रही है, इसका लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं। हेलो साथी, हमने एक आज स्टैंड मंगवाया है और ये जो है हमारा पार्सल है ये आ गया है, तो इसको हम दिखाएंगे। ये हेलमेट में जो है मोबाइल को लगाकर वीडियो शूट करने के लिए होता है, ब्लॉगिंग कर सकते हैं इसमें, और इसमें मोबाइल फांस लिया जाता है और आप जो है इजीली रोड पे की वीडियो बना सकते हैं, चलते फिरते किसी भी चीज़ की जानकारी दे सकते हैं, या वैसे कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप जो है इस तरह से देंगे। मैं आपको इसका जो है पूरा हेलमेट में फंस के दिखाऊंगा कैसे ये फंसेगा। तो इसके इतने सारे इक्विपमेंट निकले हैं, ये थोड़े छोटे छोटे पुर्जे, साथी भी खींचकर रेडी हो गया है, जिसके इक्विपमेंट तो थोड़ा देर लग गई है हमें खींचने में। ये वाला जो इक्विपमेंट है ये वाला यहाँ पर खींचेगा, और ये जो फंसने का था तो ये इसमें जो है स्लाइड करके फंस गया है ये इसमें को, और इसकी बद्दियाँ जो थी वो ऐसे करके हमने फंस दी हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इनमें क्लिप है, इसमें बद्दी डालो और इसमें ऐसे टाइट कर दो, ऐसे करके दोनों टाइट कर दी है मैंने, और ये जो है खींच कर मोबाइल फंस जाएगा इसमें, और ये पूरा जो है रबड़ का है ये, ताकि एडजस्टमेंट हो जाए इस पर चिपक जाए, तो वो टाइट करना था बद्दी खींच के जो है, जैसे बैग बैग वाली जो कंधे में डालने की बद्दी होती हैं ऐसे करके इसे खींचो और इसे ऐसे स्टेप ऐसे कर दो, इसको दबा दो ऐसे करके है ये, तो पूरे जो स्टैंड हमने जो है खींच लिया है, और इसको जो है बड़े स्टैंड में लगाना चाहो तो बड़े स्टैंड में लग जाएगा जो टांगों वाला होता है ट्राईपोड। बाकी मोबाइल फंस लिया हमने, अब इसको जो है ओढ़ के आराम से जो है वीडियो बना सकते हैं, जिधर को मुंह करोगे आप उधर को जो है इसका जो है व्यू हो जाएगा, मतलब जो भी शूट करेगा आपका मोबाइल वो इसमें इसकी जैसे आपका सिर घूमता रहेगा ऐसा शूट करेगा। कमर वाला भी मंगाया था हमने, वो कैंसिल कर दिया क्योंकि कमर जो है सीधी रहती है हमारी, सीने पर रखा जाता है मोबाइल को, तो उसमें जो है व्यू बिल्कुल सामने का आता है, जिधर को हम गर्दन घुमाते उधर को नहीं आ पाता, तो हमने जो है सारी चीज़ जिधर को हम नज़र डालेंगे उधर की वीडियो बनती चली जाएगी, जहाँ आप लाइव भी चला सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो गोप्रो की तरह ये काम करेगा, गोप्रो बहुत महंगा आता है, तो आप अपने मोबाइल का ही गोप्रो बना लीजिएगा, ये स्टैंड मंगा लीजिएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, 439 रुपये का है, अमेजन से मंगवाया है मैंने 439 रुपये का, और मैं अब इस पर गाड़ी पे बैठ कर इसके शूटिंग करके दिखाऊंगा आपको कैसी आ रही है। तो ये मैंने जो है स्टैंड फिट कर लिया है बिल्कुल, बाकी कोई अगर समझ में ना रही हो बात तो और बारीकी से बता दूंगा मैं दूसरी वीडियो में, ये कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई बात दिक्कत वाली बात है तो इतनी बारीकी से कोई नहीं बता पाएगा इसके लिए। तो हमने अपने हेलमेट में स्टैंड को फांस कर गाड़ी रेडी कर ली है, और हम चल दिए घर से बाहर रोड पर, अब हमने जो है बिल्कुल रेडी है रोड पर, मोबाइल फांस लिया है और हमारी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं गर्दन के अनुसार। कैमरा स्टैंड में फांस लिया है, यानी कि जो मोबाइल है वो हेलमेट स्टैंड में फांस लिया है, तो इसका जो सीन है आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो बन रही है, इसका लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी वीडियो बनती है इसे, और आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं कुछ लोग, तो वो गाड़ी में चलते रहते हैं और किसी की भी मदद करते हैं, या कोई भी ऐसा जो है अचानक सीन कैद हो जाता है जो मतलब जिसको वायरल में हो जाता है, कुछ लोग यह इस टाइप से ब्लॉगिंग भी करते हैं, और कुछ लोग जो है लाइव चलाते हैं इस तरह से, और कुछ लोग जो है पूरे रास्ते की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई सीन ऐसा कैमरे में कैद हो जाता है जो उसको जो है वो डाल देते हैं कट करके, बाकी चीज़ को अलग निकाल देते हैं, तो इस तरह से हम इधर घुमाएंगे तो इधर का सीन कैद हो गया, तो इधर को गर्दन घुमाएंगे तो इधर का सीन कैद हो गया, तो मतलब जो है आप अकेले ये काम कर सकते हैं, किसी दूसरे बंदे की रखने की ज़रूरत नहीं है, और गाड़ी चलाते रहिएगा दोनों हाथों से, कोई गिरने का मोबाइल का खतरा नहीं, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक है इधर एक चल रही है, बहुत ही अच्छी एक है, तो इस तरह से गन्ने का मील है, तो मैंने जो है लाइव प्रूफ दिखा दिया आपको, ऐसे जो है वीडियो आपको शूट करनी है, बहुत ही अच्छा है। मैं जो है किसी शहर के बारे में बताऊंगा तो इसलिए मैंने इस टाइम मंगवाया था,
रोड पे की चलते हुए वीडियो बनती रहेगी और जगह जगह की क्लिप लेके मैं जो है उसके बारे में बताऊंगा। ज़्यादा आप हाट हाट बोलते रहिएगा या आवाज़ बाद में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, बट जो है किसी दूसरे बंदे को रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई कभी कभी ऐसा होता है टाइम है किसी बंदे के पास, वो चलता था तो नहीं है तो नहीं चलता, फिर जो है दूसरे लोग देखते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हाथ में होता है तो, और ये स्टैंड में फंसा हुआ है तो किसी को क्या पता वीडियो बननी है ऐसी रखा है मोबाइल, तो ये जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गोप्रो की तरह काम करता है, गोप्रो तो बहुत महंगा मिलता है, 1.5 लाख रुपये के आसपास कीमत होती है इसकी एवरेज। तो ये अपने मोबाइल से आप ऐसा जो है सीन कर सकते हैं, 439 रुपये का आप स्टैंड चैट कर सकते हैं, और खड़ा मोबाइल रखना चाहें तो खड़ा कर लीजिएगा, इसको घुमा लीजिएगा और ऐसे ही जो है चौड़े पर्दे में सीन शूट करना हो तो चौड़े पर्दे में रहने दीजिएगा। तो इस तरह से आप कोई भी सीन ईजिली कैद कर सकते हैं, और आपकी गाड़ी भी चलती रहेगी और आपका सीन भी कैद होता रहेगा, वीडियो बनती रहेगी। लाइव चला लीजिएगा या तो कोई अच्छा रोड के कहीं पर जो है अच्छी फुलवाड़ी लगी हुई है या डेकोरेशन हुआ हुई है या कुछ भी, मतलब ऐसा जो सीन है, या मान लो विदेश में जाते हैं लोग पहाड़ी इलाकों में या उत्तराखंड में जाते हैं अपने इंडिया में, तो कहीं पर भी आप जो है लाइव चलाते रहिएगा और जो है आप बाइक भी चलाते रहिएगा, सारे काम आपके ईजीली हो जाते हैं। तो इसी पर्पज़ से मैंने मंगाया है, बहुत ही अच्छा और सस्ता किफ़ायती जो है स्टैंड है, GoPro की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कोई रास्ते में घटना घटित हो जाती है तो इतने आपने मोबाइल निकालता तो इतना जो है वो नहीं कैद कर रहा होता है, और अगर आप ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो चला रहे हैं तो कोई भी सीन में कैद हो जाता है। अल्लाह ना करे किसी के साथ बुरा हो, मगर जो है जो होना है वो तो होकर ही रहता है। तो आप जो है अगर सीन कैद करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो इससे जो है आप ईजीली कोई भी सीन कैद कर सकते हैं और ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रील बना सकते हैं, फेसबुक पर रील बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पर तो बहुत रील वायरल होती हैं, कुछ लोग देखा है मैंने, लोगों की मदद करते हैं गरीबों की, और जो मांगने वाले होते हैं सड़कों पर पड़े रहते हैं उनकी मदद करते हैं, उनका जो है कैमरे शूटिंग चलती रहती है और हाथ से कुछ मदद के लिए दे देते हैं ये लोग, वो लोग पार्ले जी वगैरह है, बच्चों को कपड़े वगैरह है, बहुत बढ़िया रहता है। और कहीं की भी चौराहे की तराई की या कोई भी जो है सीन ईजीली कैद कर सकते, मैं पूरी जो है आपको इसकी जानकारी दूंगा कहाँ से ख़रीदा है और क्या स्क्रीन शॉट रहता है, कितना जो है पैसे का मिलेगा ये, और कैसे आपको स्टैंड खींचना है। पूरा मैंने जो है इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया है वीडियो में, तो पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। तो इसी तरह की मैं आपको टैग से संबंधित वीडियो ज़्यादातर इस पर डालता हूँ, मगर ये स्टैंड मंगाया है, ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो सोचा आपको ही बना के वीडियो डाल ली जाए ताकि हो सके आप भी अगर ऐसा सीन करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं और ये स्टैंड मंगा सकते हैं। मतलब आप कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है और कुछ लोग जो है देखते हैं पता लगता है कि क्या चीज़ है ये क्या नहीं है, जिस चीज़ की पता होती है उस चीज़ को सर्च करता है बंदा गूगल में या अमेजन फ्लिपकार्ट में, जिस चीज़ की पता नहीं है तो सर्च क्या करेगा। ऐसे करके आप कोई भी सीन कैद कर सकते हैं।